नमस्ते सभी को। जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो क्लास सेवन्थ में साइंस का आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पांचवा चैप्टर था अम्ल, क्षार एवं लवण वाला, वो हमने पूरा कर लिया था। अब जो नया चैप्टर है वो हम करेंगे, कौन सा चैप्टर करेंगे, और पिछले क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर करेंगे पहले वो देखते हैं। तो चैप्टर आज हम करेंगे सिक्स, पांचवे के बाद छठा चैप्टर आज करेंगे, और पाठ का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पाठ का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। और ये पार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो चैप्टर 5 था उसमें मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन था, प्रश्न संख्या 11, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, और मैंने कहा था कि अगली क्लास में मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा। तो 11 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क वाला करा रहा हूं, होमवर्क जो दिया था मैंने पिछली क्लास में वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ये पार्ट तो इस क्लास में स्टार्ट करेंगे, इससे पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11 था पिछली क्लास वाला जो होमवर्क दिया था चैप्टर 5 का, वो देखते हैं। देखें, क्वेश्चन था निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, निम्नलिखित वाक्यांशों को ध्यान से पढ़ें। कुछ वाक्यांश दिए हैं, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। कौन कौन से? पहला क देखते हैं। क है, अम्ल और क्षार दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तन कर देते हैं। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार या क्षारक, दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तन कर देते हैं। दोनों सभी रंगों के सूचकों को, सूचकों के रंगों को, ठीक है, ऐसा है, सभी सूचकों के रंगों को, सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तन परिवर्तित लिख लो परिवर्तित कर देते हैं। ये तो पहला हो गया वाक्यांश। दूसरा वाक्यांश देखें, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तन कर देता है, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित के साथ रंग परिवर्तित कर देता है, तो वह क्षार के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है, तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है। क हो गया, ख हो गया, क ख। अगला देखें, ग,
यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तन करता है तो अम्ल के साथ रंग परिवर्तन ही नहीं करता। यदि कोई सूचक, अब इस लाइन का उल्टा है, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है। और लास्ट है, अम्ल और क्षार में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। अम्ल व क्षार में रंग परिवर्तन क्षारक रंग परिवर्तन सूचक के आधार पर रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर लिखे वाक्यांशों में से कौन से वाक्यांश सही है। ऊपर लिखे वाक्यांशों में से कौन से वाक्यांश सही है। कौन से सही है आपको बताना है। पहला है सभी चार, यानी चारों के चारों सही है क्या। दूसरा है ए या बी। दूसरा है क और ख, क्या ये दोनों सही है बाकी गलत है। तीसरा ख और ग, ख और ग या सिर्फ सिर्फ कौन सा ग, ठीक है। तो कौन सा सही है वो आपको बताना है वाक्यांशों में। सभी चार सही है क्या, ये चारों के चारों, या क और ख सही है, ख और ग सही है, या केवल ग सही है। तो ये आपने आपको आंसर बताना है मेरे को। देखें ये पूरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो देखना है। ये क्वेश्चन पूरा आपको ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है, फिर नीचे ये लाइन लिखनी है, ऊपर लिखे वाक्यांशों में कौन सा सही है, फिर इसके चार ऑप्शन है, यानी ये इतना तो आंसर है और उसका ये ऑप्शन दिए हैं आपको, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तन करते हैं। कोई जरूरी नहीं है सभी के सूचकों को बदले, कोई जरूरी नहीं है, तो ये बात एकदम गलत है। आपको गलत नहीं लगाना, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक बार आप देखें, बाद में मैं बताऊंगा कैसे करना। उसके बाद यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग बदलता है तो वह क्षार के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। क्यों नहीं करता है, करता है, तो ये भी बात गलत बोल रहे हो। अगला, यदि कोई सूचक क्षार के साथ रंग परिवर्तन करता है तो अम्ल के साथ नहीं करता। क्यों करता है ना, मैंने लिटमस का बताया था, लिटमस लाल को नीले में बदलता है, नीले को लाल में, तो दोनों में बदलता है, ये परिवर्तन नहीं करने की बात कहां से है, तो ये भी बात गलत है। चौथा देखो, अम्ल व क्षार में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार के आधार पर होता है। हाँ, लिटमस होता है तो वो लाल से नीला, नीले से लाल, हल्दी है, हल्दी पीली है तो पीली से बैंगनी चली जाती है, तो ये बात एकदम सही है। बाकी ये तीनों गलत है, ये तीनों बातें गलत है। हाँ, ये चौथी सही है, इसका मतलब सिर्फ चार क्या है सही है, तो आप इस पर ऐसे राइट लगा देंगे। आई बात समझ में, पूरा क्वेश्चन लिखना है, फिर इस लास्ट पर क्या लगा दें, सिर्फ ये घ है जो लास्ट वाला है वो एकदम सही है, बाकी सारी बातें गलत है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन बड़ा इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, बाकी आंसर एकदम सरल है।
क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये तीनों लाइनें गलत लिखी हुई है और ये एकदम सही है, तो हमने कौन से ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर 4 पर टिक कर दिया। ठीक है, तो उतार लेना इसको, मैं एक बार मिटा देता हूँ इसको। अब हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं, ये पांचवा पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था, अब हम चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। देखें चैप्टर 6 क्या है, चैप्टर 6 का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब ये क्या होते हैं परिवर्तन, आपको पता है देखें सबसे पहले देखें परिवर्तन क्या होता है, जैसे लिखा रहा हूं वैसे लिखना है आपको। सबसे पहले हेडिंग डालो परिवर्तन, सबसे पहले ये समझना है परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। किसी भी वस्तु चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, उसमें होने वाले बदलाव क्या कहलाते हैं, परिवर्तन कहलाते हैं। तो किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में होने वाले बदलाव, होने वाले बदलाव परिवर्तन, होने वाले बदलाव परिवर्तन कहलाते हैं, परिवर्तन कहलाते हैं। किसी भी पदार्थ में होने वाले बदलाव क्या कहलाते हैं, परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में लिख रहे हैं व्यापक रूप से परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। व्यापक का मतलब मुख्य रूप से परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहला है भौतिक परिवर्तन, ये जो पाठ है पढ़ेंगे भौतिक और रसायनिक, ये दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं और यही इस पाठ में हमको पढ़ना है, भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। समझ में आया हमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी पदार्थ में होने वाला बदलाव क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। तो परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन है, इस पाठ में हम इन दोनों को पढ़ेंगे, ये पाठ पूरा आएगा आपके इस साल सिलेबस में, तो इसलिए इसमें आपको कुछ भी चीज नहीं छोड़नी। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा देखते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन क्या है, वे परिवर्तन या वह परिवर्तन, एक ही बात है, जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में
परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखो यहाँ नाम क्या है, ये तो आपको पता चल गया कि वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के कौन से गुण परिवर्तित होते हैं, भौतिक गुण। अब यहाँ नाम देखो क्या रहा है, भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं। अब भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण, ये तो आपको पता चल जाएगा, ये तो याद रह जाएगा। अब ये भौतिक गुण क्या होते हैं, तो अगली हेडिंग हम डालते हैं भौतिक गुण की। पहले भौतिक गुण समझते हैं ये क्या होते हैं। तो परिभाषा लिखने के बाद नई लाइन से लिखो भौतिक गुण, और भौतिक गुण में क्या लिखना है, पदार्थ के आकार, कौमा रंग कौमा अवस्था, पदार्थ के आकार कौमा रंग कौमा अवस्था आदि आदि दिख रहा है क्या, अवस्था आदि जैसे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं, तो वे गुण जिसमें आकार, आपको कोई आकार बदल गया हो, रंग बदल गया हो, अवस्था बदल गई। अवस्था का मतलब आपने पढ़ा होगा, अवस्थाएं तीन प्रकार की होती है, ठोस द्रव गैस, यानी ठोस से द्रव में बदल गया हो, द्रव से गैस में बदल गया हो, तो अवस्थाएं बदल गई हो, तो ऐसे जो गुण होते हैं किसी के वो क्या कहलाते हैं, वो उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे कि हम हैं, जैसे अभी किसी का साइज है वो कितना बड़ा है, और मेरा साइज कितना बड़ा है, तो ये मेरा भौतिक गुण है, समझ में। तो ऐसे कोई किसी का आकार बदल जाए तो वो भौतिक परिवर्तन होगा, किसी का रंग बदल जाए वो भौतिक परिवर्तन, किसी की अवस्था बदल जाए यानी ठोस से द्रव में चला जाए, जैसे बर्फ है, बर्फ पिघल कर द्रव में बदल गई पानी में, तो ये कौन सा परिवर्तन, उसकी अवस्था बदली है, तो कौन सा परिवर्तन हुआ है, उसका भौतिक परिवर्तन हुआ है। आई बात समझ में। और कुछ बातें हैं इसकी, इसी के अंदर लिखना है आपको, भौतिक परिवर्तन में या भौतिक परिवर्तन, पहले लिख लो भौतिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय होते हैं, पर एक और लाइन इसकी लिख लेना, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, उत्क्रमणीय का मतलब होता है उल्टा, उल्टी अभिक्रियाएं नहीं होती इसके अंदर, उल्टी अभिक्रियाएं होती है किसके अंदर, भौतिक परिवर्तन के अंदर, उल्टी हो सकती है अभिक्रियाएं, और इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। उदाहरण से समझो, इस पूरे के पूरे जो मैंने परिभाषाएं हैं, इसे कुछ गुण लिखे हैं, ये पूरी की पूरी बात आपको एक उदाहरण में समझ में आ जाएगी। तो उदाहरण देखें इसका, उदाहरण है, पहला उदाहरण लिखाता हूं, बर्फ का पिघलना। अब बर्फ का पिघलना आपको पेपर में पूछेंगे, बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है, क्या वह रासायनिक परिवर्तन है,
क्या बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन है या बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। तो यहां से आपको पता चलेगा, ये जो मैंने आपको बातें लिखाई है, इस बातों से आपको पता चलेगा कि ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। सबसे पहली बात यहां देखो, बर्फ कैसी होती है? बर्फ होती है ठोस। जब बर्फ पिघलती है तो आपको पता है बर्फ किस में बदल जाती है? ठोस से द्रव में। यानी बर्फ जब पिघलेगी तो पानी में बदल जाएगी, ये तो होता है। बर्फ जब पिघलती है तो पानी में, अब ये ठोस थी, ठोस से द्रव में बदल गई, यानी उसका क्या हुआ, अवस्थाएं बदल गई। अवस्थाएं बदल गई तो आपको पता है अवस्थाएं बदलती है, ये कौन सा अवस्था, कौन सा परिवर्तन? भौतिक गुण है, इसलिए भौतिक परिवर्तन हो गया। दूसरी बात ये मैंने क्या बताया, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, उत्क्रमण उल्टा हो सकता है। उल्टा का मतलब आप पानी से वापस बर्फ बना सकते हो क्या? आप पानी से वापस बना सकते हो, मतलब उत्क्रमणीय उल्टा काम कर सकते हो क्या? ये काम था सीधा, इससे वापस उल्टा काम कर लोगे, पानी को वापस फ्रिज में रखो वापस बर्फ बन जाएगी। यानी उत्क्रमण यानी ये उल्टा काम हो सकता है वापस, ठीक है। जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी जलाएंगे तो कोयले में बदल जाएगा, क्या वापस कोयले को लकड़ी में बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते। तो ये उत्क्रमणीय नहीं है, लकड़ी का जलना उत्क्रमणीय नहीं है, लेकिन बर्फ का पिघलना उत्क्रमणीय है, क्योंकि बर्फ से पानी बना, पानी से वापस बर्फ बन जाएगा, तो उत्क्रमणीय है। लकड़ी को जलाएंगे कोयले में बदलेगा, कोयले को वापस लकड़ी बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, इसलिए मतलब उत्क्रमणीय नहीं है। आया समझ में? अगली बात, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ मतलब बर्फ क्या है, बर्फ में भी तो पानी है और अभी भी पानी ही बना है, पानी है पानी ही बना है, लेकिन लकड़ी को जब जलाएंगे तो लकड़ी से क्या बन जाएगा, लकड़ी से कोयला राख बन जाएगा, यानी उसका रंग भी बदल गया, उसका लकड़ी था वो नया पदार्थ बन गया। लकड़ी का राख में बदलना, लकड़ी कुछ और थी, राख कुछ और होती है, राख को वापस जला नहीं सकते, यानी लकड़ी एक पदार्थ थी दूसरा पदार्थ बन गया, तो नया पदार्थ बन रहा है ना, इसमें तो नया पदार्थ नहीं बनता है, पानी था पानी रहा है, पानी था, बर्फ में भी पानी होता है, पानी में भी पानी होता है, पानी को और गर्म करो तो वाष्प बन के उड़ जाएगा हवा में, तो उससे भी पानी है वो भी, लेकिन जो नया पदार्थ है वो नहीं बनता है। नया पदार्थ कब बनता है? रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, वो रासायनिक परिवर्तन जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी तो बस आपको लिख रहे हैं भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण बदलते हैं, भौतिक गुण कौन कौन से हैं, पदार्थ का कोई आकार है, रंग है, अवस्था है, वो सारे भौतिक परिवर्तन में आएंगे। भौतिक परिवर्तन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब उल्टी हो सकती है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है, ये उदाहरण हो गया। दूसरा, दूसरा उदाहरण देखते हैं, दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है, भौतिक जो परिवर्तन है इसका कोई और उदाहरण क्या हो सकता है? कोई और उदाहरण? जैसे बोलते कागज का फटना, कागज का फटना, अब कागज है, कागज को फाड़ दिया तो रहेगा तो वो कागज ही, नया पदार्थ थोड़ी बना है, रहा तो वो कागज ही। अब कागज को फाड़ा तो उसमें क्या हुआ, उसका आकार बदल गया, छोटा हो गया, देखो आकार बदल गया, आकार बदल गया, इसका मतलब कौन सा परिवर्तन है? परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, बहुत आसान है। तो ऐसे आप कुछ भी थोड़े बना सकते हो, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, एक बार वापस देख लें। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के कौन से गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण बदलते हैं पहली बात, और सॉरी भौतिक गुण बदलते हैं पहली बात, और रासायनिक गुण किसमें बदलते हैं, रासायनिक परिवर्तन में। भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं मैंने आपको लिखा लिया, किसी भी पदार्थ का आकार हो गया, उसका रंग हो गया, उसकी अवस्था हो गई, अवस्था मतलब ठोस द्रव या गैस, उसकी अवस्थाएं बदल रही है, उसका रंग बदल रहा है, उसका आकार बदल रहा है, छोटा या बड़ा हो रहा है, तो वो सारे भौतिक गुण में आएंगे। और जो भौतिक परिवर्तन है इसमें क्या होता है, इसमें पदार्थ उत्क्रमणीय होता है, उल्टा काम हो सकता है। और लास्ट मैंने बताया था कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, इस भौतिक परिवर्तन का जस्ट उल्टा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, रासायनिक गुण बदलेंगे, उत्क्रमणीय नहीं होगी, नया पदार्थ बनेगा, उल्टा हो जाएगा, ये इसका एकदम उल्टा रासायनिक परिवर्तन। तो यहां तक एकदम एज इट इज उतार ले, इसके दो उदाहरण मैंने बता दिया, बर्फ का पिघलना और कागज का फटना, ये दोनों किसके हैं,
ये दोनों भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो आज की क्लास में हमने रासायनिक जो भौतिक परिवर्तन है वो पूरे पढ़ लिए, और अगली क्लास में हम रासायनिक परिवर्तन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन मैंने कंप्लीट करवा दिए, और आपको इसी क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था, वो क्वेश्चन भी करवा दिया। तो अब आपको क्या करना है, अच्छे से नोट करना है, बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।